कुछ दिन पहले हमें इनवाइट मिला था टाटा मोटर्स की तरफ से उनका प्रोडक्शन फैसिलिटी विजिट करने के लिए, और आज हम देखने वाले कि यहाँ पर एक्चुअली गाड़ियाँ बनती कैसे हैं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरा जरूर देखिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू डे टू। टाटा मोटर्स के अंदर जाके जो सबसे पहली चीज से हम सरप्राइज हुए थे वो था स्केल ऑफ ऑपरेशन। जब हम फर्स्ट डे टेस्ट ड्राइव के लिए गए थे तो हमें पूरी फैक्ट्री देखने को नहीं मिली थी, हमने सिर्फ व्हीकल्स देखी थी, बट सेकंड डे पे पूरा फैक्ट्री का टूर लेके हम लोग हैरान हो गए। सबसे पहला सेक्शन जो हमने कवर किया वो था व्हीकल ईडी कोटिंग सेक्शन, और हम दोनों ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। तो अभी हम जा रहे हैं प्रेप स्टेशन पे, जहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कोट्स किए जाते हैं, जिनको ईडी कोट्स भी बोला जाता है, कैथोडिक इलेक्ट्रोकोट डिपोजिशन, सीईडी। सो वी आर गोइंग टू दैट। तो गाड़ी में सबसे पहले ये काम होगा, उसके बाद ही फिर गाड़ी आगे बढ़ती है आगे के काम के लिए। ऐसा लग रहा है कहाँ कहाँ देखे, जहाँ नजर घुमा रहे हैं वहाँ कुछ चल रहा है, कुछ जा रहा है। ये सब इस स्केल पे ऑपरेट करने में भाई साहब कितने लोग, कितनी टीम, फैदम नहीं होता ना। हर चीज सिंक्रोनाइज चल रही है, एक के बाद एक, गुम हो जाएगी, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है चीजें। अब लोग जो चिढ़ते होंगे हमसे कि आपके वर्कशॉप में दो दिन छुट्टी मार दी तो क्या बड़ी बात हो गई, हम तो इतना छोटा स्केल रन कर रहे हैं, इतना छोटा ऑपरेशन। इस स्केल पे जब आप बात करोगे, एक यूनिट अगर बंद हो गया तो पूरा प्रोडक्शन लाइन रुक गया, फिर वो लाख, दो लाख, पांच लाख नहीं होता, फिर वो 100 करोड़ की गाड़ियों का काम अटक गया है। जितने दिन अटका उतने करोड़ों का नुकसान। एक्चुअली में सिस्टम से चलो तो सब ठीक है, वरना कितना बड़ा रिस्क है अपने आप में, अगर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो ना हो तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। डिटेल्स बताऊं कैसे पता चलती है, यहाँ ग्लास लगा है मिरर, ताकि जब यहाँ से आ रहे हो तो आपको दिखे वहाँ से कुछ आ रहा है क्या। मतलब कितना स्किल सेट चाहिए, कितना स्किल डेवलपमेंट चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर का विजन, और इतने लोग मिलके उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। चेन्स का एक एक लुब्रिकेशन और छोटे छोटे कॉग्स, मतलब मिलके एक पूरा ऑपरेशन जो चलाते हैं। देखना उनको ग्रीसिंग वगैरह हुआ हुआ है सारा, आपका वो भी पूरा चेक होता होगा ना, कब क्या होना है। वीकली चेक होता है, डेली क्या है, कुछ वीकली क्या है, कुछ मंथली रहेगा उसमें, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगा वो फिक्स है। वो अलग अलग चेकलिस्ट बनाना अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज है। गलतियां करते करते इंसान समझता नहीं, अब इसको इतने टाइम में करना है, इसको इतने टाइम में करना है। वहाँ से लोड होके आती है, लोड होने के बाद यहाँ पे आके अनलोड होती है, इस बेल्ट में से इस पे आती है, और यहाँ से देन घूम के यहाँ आती है, जहाँ पे उसको सी मेंबर के साथ बांधा जाता है, एंड देन वहाँ से ईडी कोट के लिए और प्रेपरेशन के लिए नीचे जाती है। ये वाटर बेस्ड केमिकल से अभी पहले प्री ट्रीटमेंट होगा, ये सारा क्लीन होगा। कोई भी अगर इस पे वैक्स रहा, ऑयल्स रहे, या इस पे अगर कोई भी गंदगी रही, तो वो पेंटिंग को फेलियर कर सकती है। तो वो सारा चेकिंग प्रोसेस करने के लिए, और ये इतना ऑटोमेटेड किया हुआ है। अब इसमें मोस्टली वाटर रहता है और बाकी और केमिकल्स रहते हैं जो क्लीनिंग के लिए यूज होते हैं। एक बार ये पूरा क्लीन होगा, ये रिसाइकल भी होता है, और इसके बाद ये बॉडी आगे मूव करेगी पेंटिंग के लिए। अपने आप में मेज है, इधर से आए उधर गए, किधर जा रहा है, घूम जाएगा आदमी 5 मिनट में। वहां से जो गाड़ी आ रही थी ना, ये देख यहाँ तक अभी डिप होके जा रही है। यहाँ पे प्रेपरेशन एक डिप है और आगे एक फॉस्फेट डिप है। तो गाड़ी देख बार बार नीचे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, दिख रहा है वहां से सोफिस्टिकेशन। बोले अगर लाइट चली गई यहाँ पे तो पूरा प्रोसेस बेकार हो गया। मैं कहा लाइट तो जाती नहीं होगी। बोले नहीं, मैं कहा बैकअप का भी बैकअप होगा। कहते हाँ, क्या बैकअप फेल हो गया तो उसका भी बैकअप है। ये अभी केमिकल वॉश होके आ रही है गाड़ी, और यहाँ से आगे जा रही है अभी।
तो अभी यहाँ पर जो है हमने देखा वो ट्रीटमेंट होके गाड़ी आई और आगे जो जा रही है वो ईडी कोर्ट के लिए जा रही है। अब इसमें ऑटोमेटेड प्रोसेस में क्या होता है, गाड़ी पूरी डिप होके बाहर निकलती है तो वो कोटिंग अपने आप उस पर एक्टिवेट हो जाता है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकली चार्ज पैदा करके ये प्रोसेस किया जाता है, बट अपने आप में एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है ये। ईडी कोट का पर्पस रहता है मेटल पैनल्स को रस्टिंग से बचाना, और जब गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है तो मेटल पे सबसे पहला कोट भी ईडी कोट ही रहता है। ईडी कोट के बाद ही पैनल्स और व्हीकल को पेंट किया जाता है। तो सोचना वो फ्रेम पे कितने लेयर्स चढ़ चुके होंगे ऑलरेडी, जितना बॉडी ने पकड़ लिया, कोई ड्रिप नहीं है, देख बाकी सब वॉश ऑफ है। इसको पूरा स्लोप में भी इसलिए रखा हुआ है ताकि सारा ये ड्रिप होके जो है ना निकल जाए। पर यही तो है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो आई हैं, जो एक प्रोडक्ट को उन्होंने मासेस तक पहुंचाने की कोशिश करी है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये है इंसानियत की अचीवमेंट। ये एक टाइम था जब रिमार्केबल अचीवमेंट जो इंसानियत की बोलते हैं ना, ये है वो। ह्यूमंस ने फिगर आउट कर लिया था कि चीजों की मास प्रोडक्शन कैसे करनी है। उसके बाद से तो एक्चुअल डेवलपमेंट में चेंजेस आए हैं लास्ट 200-250 सालों से। कमर्शियलाइजेशन, कंज्यूमरिज्म, हर चीज में उसी के बाद फर्क पड़ा है। चीजें जो है इजीली एक्सेसिबल होने लगी लोगों को। इवन सोशल मीडिया एंड इंटरनेट, अगर मास प्रोडक्शन नहीं होता, फोन सबके हाथ में नहीं होते, तो तुम क्या करते सोशल मीडिया का, कितना लिंक्ड है सब चीजें, एंड स्पेशली ऑटोमोबाइल, क्योंकि मूवमेंट बना ना। हाँ, तो सिटीज बड़ी हुई है उसकी वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। जितना मुझे पता चला है, हम लोग अभी पेंट सेक्शन में जा रहे हैं, जो प्रीटी मच हमारा भी ब्रेड एंड बटर है। अंदर जाके देखते हैं, अभी मैं ये श्योर नहीं हूँ वहीं जा रहे हैं कहीं और जा रहे हैं। एक्चुअली प्लान हम तीन का आने का था, राघव मेरा और सौरभ का, फिर हमने सोचा सुबह हर्षल सर को भी ले चले, है ना। आइए, धूप लग रही होगी आज तो आपको, क्योंकि पेंट फैक्ट्री का डस्ट फ्री होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए काफी सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं व्हाइल वर्किंग या फिर विजिटिंग इन अ पेंट फैक्ट्री। यहाँ पर एक एंट्री पे वाटर चैनल है, वो इसलिए ताकि जूतों में जो डस्ट है वो अक्यूमुलेट कर ले, और उसके बाद अंदर एक बार एयर क्लीन है। एयर क्लीन में क्या होता है, बॉडी के ऊपर भी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सारा जो है उतर जाए। जो अंदर जो दोनों तरफ में ब्लोअर है वो दोनों तरफ से प्रेशराइज्ड एयर ब्लो की जाती है, ताकि जो बंदा अंदर खड़ा है तो उसके बॉडी से डस्ट जो है वो हटा सके। वी ऑल्सो स्पेंड द होल डे इनसाइड अ पेंट शॉप। सो बाय द वे, सर इज ऑल्सो अ सब्सक्राइबर। वो हम अंदर आए तो सर ने बोला कि वो वीडियोज देखते हैं, विच वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस एज वेल। वो देख, टाटा की कलर सिलेक्शन वॉल, हमारी वाली थोड़ी सी बड़ी है। अब यहाँ क्या है ना, OEM के कलर्स लगते हैं, जो मान लो 5 कलर सफारी में आते हैं या 4 कलर हैरियर में आते हैं, ये वही कलर्स यहाँ पर रखे जाते हैं। इसके अलावा जो OEM के कलर्स नहीं है वो यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती। ये सारी प्रोटोकॉल और चेकलिस्ट वगैरह लगाई हुई है, मिशन स्टेटमेंट से लेके उसके बाद प्रोसेस पूरा, पैरामीटर्स, हर चीज वही है। हमारी वर्कशॉप से 30 times ज़्यादा बड़ा सेक्शन है, पर ऑटोमेशन देखना ऊपर और ये सब। डस्ट कलेक्शन के लिए नीचे पूरा चेंबर बनाया हुआ है, वो व्हील्स में पूरा ये बॉडी आगे एक एक करके मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल, इसका ईडी कोट हो गया है, ये अंदर सारे सीलेंट भरे हुए हैं, जहाँ जहाँ जॉइंट वगैरह में सीलेंट होने चाहिए, विच वॉज दी सेकेंड प्रोसेस। पहला था सारा ईडी कोट होने का। ईडी कोट होने के बाद सीलेंट पूरा लगाना अच्छे से सारे क्रेविसेज और जॉइंट्स में बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं भरा जाएगा तो वहाँ पर अंदर पानी जाके रस्टिंग शुरू हो सकती है। तो OEM लेवल पे शुरुआत में उन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। हम लोग भी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे लिए भी एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली हमें पता है क्या चलता है कैसे होता है, पर इस स्केल पे हमें वो आइडिया नहीं है। इतना छोटा सा प्रोसेस है, उसको भी स्ट्रीमलाइन करके ऑटोमेट किया हुआ है। ऑलमोस्ट नहीं होने से मेरे हिसाब से अंदर 30 जने होंगे जो सीलेंट एप्लीकेशन कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है, जिस किस्म का उन्होंने सिस्टम ऑटोमेट किया है, लाइन में एक ही गाड़ी आने की जरूरत नहीं है, वो ऑल्टरनेट होती जा रही है। कभी कोई विंगर आ रही है, कभी 407 का बॉडी आ रहा है। मस्त है बहुत प्रोसेस। ये जो है, जो आपने हमारे बहुत वीडियोस में देखा होगा, हम टैक क्लॉथ यूज करते हैं पेंटिंग से जस्ट पहले, तो ये जो भी सरफेस पे डस्ट रहती है उसको उठा देता है, ये जो भी ऑयल्स रहते हैं उनको भी क्लीन कर देता है, और इसके बाद प्राइमर होगा। तो ये है पेंट बूथ, सॉर्ट ऑफ पेंट बूथ, जो हमारे यहाँ पे इतना छोटा है, यहाँ पे उसी का 20 गुना बड़ा पेंट बूथ है। पाइप्स और गन्स के कनेक्शन देख कितने हैं, कॉम्प्लिकेशन अपने आप में कितना, अगर कलर अलग अलग रहेंगे जैसे ऑटोमेशन। तो उन्होंने मतलब पीछे बताया कि वहाँ पर उनके पास मेंशन है कि कौन सी गाड़ी पे क्या कलर होने वाला है। स्कैन होके आती है गाड़ी, स्कैन होके आती है, वो बताता है।
तो अब जैसे डार्क कलर की गाड़ी होगी तो उस पर डार्क सर्फेसर आएगा, लाइट कलर की होगी तो उस पर व्हाइट और ग्रे लाइट टोन्स आएंगे। गाड़ी के इंटरनल एरियाज ऑटोमेटिक नहीं हो सकते, तो वो इंटरनल एरियाज सारे मैनुअल कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो एक्सटीरियर जो है वो सारा प्राइम हो रहा है। इसमें आएगा तेरे को अभी मजा, देख रोबोटिक पेंटिंग, वो तो मैं भी अभी फर्स्ट टाइम लाइव देख रहा हूँ। अभी जितना उन्होंने ब्रीफ में समझाया, ये जो रोबोटिक पेंटिंग प्रोसेस है इसमें कोई भी गाड़ी, कोई भी मॉडल आ सकता है, कोई भी कलर आ सकता है, मशीन अपने आप एडजस्ट करती है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कार, और वो स्कैन होता है तो सब कुछ ऑटोमेटेड है, और यहाँ पे रियल टाइम दिखाता है रोबोटिक मूवमेंट्स और वो कौन सी गाड़ी पेंट कर रहा है और क्या कलर कर रहा है, विच इज जस्ट अमेजिंग। जो रोबोट का जो पूरा सिस्टम है उसको कवर भी इसलिए किया जाता है क्योंकि ओवर स्प्रे की वजह से ना बहुत सारा कंटामिनेशन जो है जमा हो जाएगा, तो उसकी मूवमेंट जो है ऑब्स्ट्रक्ट होने लगती है, इसलिए इसको पूरा कवर करके रखा जाता है। देख, पर बहुत अच्छा प्रोसेस है यार, मैं आज पहली बार देख रहा हूँ यार, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है यार, मैं सिर्फ वीडियोस में देखा है, आज पहली बार देख रहा हूँ। उनकी मूवमेंट्स देखना कितनी अमेजिंग है, स्मूथ प्रिसाइज एकदम कैलकुलेटेड। तो जब रोबोट आर्म आगे जाके स्लो होता है ना, तो वो एकदम झटके से स्लो नहीं होता, वो थोड़ा स्लो होके आगे जाता है फिर वापस आता है। जैसे पेंटर्स को भी बोला जाता है हाथ ऐसे जाके ना ऐसे छोड़ के, ऐसा वो मुलायमपन होना चाहिए हाथ में, वो ब्रेड पे जैसे मक्खन लगता है। जो पर्टिकुलर सेक्शन है, जब अभी हमने उनसे समझा, तो ये डीजी कोट सिस्टम है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ग्लॉस एप्लीकेशन होता है, तो यहाँ क्लियर कोट नहीं होता। जिन पेंट्स में क्लियर कोट की एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो दूसरी तरफ पेंट होती है, विच इज ऑन दैट साइड। तो सेम प्रोसेस जो हमने यहाँ देखा, सेम प्रोसेस वहाँ पे भी है। तो सिंगल स्टेज पेंट में सिर्फ सॉलिड कलर हो सकते हैं, और जो मेटालिक कलर्स आते हैं सारे वो टू स्टेज पेंट में आते हैं। बट ऑल दिस मॉडल्स वर पेंटेड हियर इन दिस पेंट शॉप। तो इनका कहना है जो के ब्लॉक और ये वाला है, ये बीच में पार्टीशन है, जो अब सफारी वगैरह होती है वहाँ पेंट होती है, और ये पेंट बूथ पहले मर्सिडीज भी यूज करता था जब इनिशियली आए होंगे, तो उनको भी प्रोडक्शन वगैरह में कॉपरेट करना पड़ता है ना इंडियन कंपनीज के साथ में, तो उस केस में मर्सिडीज भी यहाँ पेंट होती थी, मर्सिडीज और फियट लिनियर। मैं स्केल ऑफ ऑपरेशन देख के मेरे को हैरानी हो रही है। ऑब्वियसली हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट इंस्पायर जरूर हो सकते हैं। बहुत फायर हैजर्ड होता है पेंट शॉप, इनको फायर सेफ्टी बहुत रखनी पड़ती है। ये इंसिडेंट ऑलमोस्ट 10 साल हो गया है इसको, डिस्ट्रिक्ट हो गई थी पर लॉस बहुत लॉस होगा, और काम रुक गया होगा प्रोडक्शन में, एक चीज रुकी तो पूरा रुक गया। ये चीज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक चीज रुक गई, अगर ये रोबोट और वो आर्म्स भी खराब हो गए तो वो गाड़ी बिल्कुल बनी नहीं पाएगी, तो वो लॉस ऐसा 10-15-20 हजार 50 हजार नहीं होता, वो लॉस होता है करोड़ों रुपए का। गर्मी लग रही है ना, पेंट होने के बाद बेकिंग होती है यहाँ पे, तो ये हमारे पेंट बूथ जैसा सिस्टम नहीं है कि एक बार पेंट करके वहीं बेकिंग होती है, वो आगे चलता रहता है, बेकिंग ओवन अलग रहते हैं, डिपेंड करता है स्केल ऑफ ऑपरेशन में। तो हमारे कैसा है, पेंट बूथ के अंदर ही पेंट होता है और हीटिंग भी होती है, पर इसमें हीटिंग चेंबर्स अलग है क्योंकि गाड़ी को रोका नहीं जा सकता, तो ये दोनों तरफ देख चेंबर्स होंगे यहाँ पे हीटिंग के लिए। तो ये भी पेंट बूथ के लिए ही मेनली दिया हुआ था, डस्ट कंट्रोल करने के लिए। अब एक्चुअली में वो बंद होना चाहिए बट हमारा बंद नहीं होता, साइज ज्यादा है। बेकिंग इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा, द सॉर्ट ऑफ टेम्परेचर, आई मीन 60-65 डिग्रीज तक वैसे हीट किया जाता है, बट बिकॉज इट फ्लोज थ्रू अ सेक्शन वो अभी तक हीट रेडिएट कर रहा है, तो यहाँ पे हीट फील हो रही है पूरी। व्हीकल का पेंटिंग प्रोसेस देखने के बाद हम लोग पहुंचे व्हीकल इंस्पेक्शन एंड डिटेलिंग सेक्शन में। अब ऑब्वियसली नई गाड़ियों को पूरा डिटेलिंग करने की जरूरत तो नहीं पड़ती, बट माइनर इम्परफेक्शंस क्लियर करने के लिए व्हीकल्स को यहाँ पे जरूर लाया जाता है। ये पेंट ऑडिट करने के लिए है पूरा, तो ये जो लाइटें सारी रहती है ये सबसे ज्यादा डिफेक्ट्स दिखाएगी, जब ये ऑन होगी ना तो वो पूरा सर्फेस पे रिफ्लेक्शन होगा। लोग बोलते हैं ना ये लाइटिंग में ही तो सारा अच्छा दिखता है, बाहर अच्छा नहीं दिखता, वो लाइटिंग की वजह से प्रॉब्लम्स पता चलती है। तो हमारे भी बेस में जो लाइटिंग लगी हुई है उसकी वजह से पता चलता है प्रॉब्लम्स कहाँ पर है, कहाँ पे, वो शाइन बढ़ाने के लिए नहीं है, वो डिफेक्ट्स ढूंढने के लिए, तो इसका भी पूरा पर्पस वही है। इसी तरीके से हमारे यहाँ भी गाड़ियाँ खुली पड़ी रहती है। वेरी नाइस, फील्स लाइक होम। यही सब चीजें रोज हम करते रहते हैं, बस ये बड़े स्केल पे है, घर जैसा फील हो रहा है, मालूम है रोज का काम है ना। मैं उसको आते हुए पहले बोला यहाँ के ऐसा लग रहा है कि हम घर से बहुत दूर है बट है नहीं एक्चुअली, बाकी लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए इट्स अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस, मतलब कोई भी ऐसा देखा नहीं, हमारा रोज का काम है, हम करते ही यही है। अगर यहाँ पर जैसे छोटे मोटे डेंट अगर आप आइडेंटिफाई करो तो फिर इनको कैसे रिजॉल्व करते हैं? यहाँ पे हमारे पास डेंटर अवेलेबल है, डेंटर गाड़ी चेक करके उसके ऊपर कुछ डेंट्स रहेगा तो वो डेंट निकाल के फिर गाड़ी
तो फिर वो वापस यहाँ पर मैनुअली स्प्रे करके खत्म कर दें? नहीं नहीं डैमेज नहीं होगा, दैट इज अ स्किल। अच्छा पीडीआर करेंगे, पेंटलेस ना, डेंट रिमूवल। तो आप एरिया का वो प्रेशर वगैरह देख के कहाँ दबाने की जरूरत है और कैसे उसको हल्का सा ठोक के बाहर निकालना? समझ गया, कुछ भी नहीं होगा, फिर चैक लगेगा। तो हल्का सा वो आता है ना ऐसा, हल्का सा मेटल दब जाता है, ठोक ठोक के उसको सीधा करते हैं। तो ये प्लास्टिक है ना, तो ये डैमेज नहीं करेगा, तो हल्का हल्का चिसल और हैमर टाइप करके उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, जो छोटे मोटे डेंट बॉडी पे रहेंगे। और क्योंकि इतने लोग काम कर रहे हैं तो बॉडी शेप भी परफेक्ट तो नहीं होता, पर परफेक्ट बनाने की कोशिश की जाती है। पेंट शॉप से जस्ट अभी घूम के हम आए हैं, अभी जा रहे हैं लंच करने, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, लंच करके फटाफट लगी है। हाँ, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। A few moments later, भाई मजा आ गया, हमारी नींद ज्यादा हुई नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा फुस्स है, पर एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। ये ऐसा हो गया जैसे चॉकलेट फैक्ट्री ले आते हैं ना बच्चों को, विली वोंका एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, वही वाला सीन था। ऐसे लग रहा है ना स्टॉक मार्केट, पीछे देखना। इसके बाद हम लोग गए व्हीकल असेंबली सेक्शन पर, जहाँ पे चेसी पे इंजन और बाकी के पार्ट्स को असेंबल किया जा रहा था। अब फ्रैंकली बोलूं तो इतने सारे लोगों को साथ में सिंक्रोनाइज वे में काम करते हुए देख के ना मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन फील हो रही थी। तू देखना यार, जहां तक नजर जा रही है वहां से वहां तक फैक्ट्री, वहां से वहां तक फैक्ट्री। अभी मेरे को सर ने बताया कि यहाँ से ये पूरा चैसी पे पार्ट्स ऐड होते रहते हैं, मतलब अलग अलग चीजें ऐड होंगी, जैसे फ्यूल टैंक है, ये सिलेंडर, शॉकर, सस्पेंशन, अलग अलग चीजें असेंबल होते होते पूरा घूम के पूरा आगे तक ऐसे जाता है, एक 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 ऐड होते हुए हर स्टेशन पे एक पर्टिकुलर आइटम ऐड होता है और उसके बाद जो है वो चैसी आगे मूव ऑन हो जाता है। वहां तक इंजन माउंट नहीं हुआ है, वहां पर अभी इंजन माउंट हो गया, यहाँ पर इंजन बैठ गया, इसके आगे फिर जाते जाते वहां तक कैबिन बैठ जाता है। मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे तो आपका वीडियो आता है, कब से देखते हो? चलो अच्छा लगा आपसे मिलकर। अगर ये पूरी फैक्ट्री एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो हम अभी उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के दिल में है। दिस इज द बेस जहाँ पे सब बन रहा है, सब इकट्ठा होना चालू हो रहा है, के बाद यहाँ पर आके जुड़ती है। हाँ। कितने लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग पे स्केल पे, अलग अलग टैलेंट, अलग अलग क्वालिटीज, सुपरवाइजर्स है, इंचार्ज है, टीम मैनेजर, सप्लायर्स है, मैनेजर्स है, लेबर्स है, ट्रेनीज है, मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं एक साथ में। यहाँ से एक गाड़ी रोल आउट जो है वो करीबन 5 मिनट में होता है। अब कैसे 5 मिनट में नहीं होता, पर एक के पीछे एक लगी रहती है। तो उन्होंने मुझे बताया 8 घंटे की शिफ्ट में कुछ है 120 गाड़ियां वो लोग बना देते हैं। तो टारगेट बोर्ड में लिखी है ना 110 गाड़ियों का टारगेट है आज, 120 ट्रक्स इन वन शिफ्ट, और ज्यादा काम हुआ तो 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट, 24 आवर वर्किंग। अगर एक जगह पे कोई एक इक्विपमेंट मैल फंक्शन होता है तो पूरी की पूरी चेन रुक जाएगी, क्योंकि उसके पीछे का सामान उसके आगे नहीं आ पाएगा और उसके आगे का सामान जो है वो खाली बैठ जाएंगे जो आगे का काम कर रहे हैं। तो एक इक्विपमेंट इसमें से किसी में से भी एक कन्वेयर बेल्ट या एक इक्विपमेंट या एक रेंच खराब हो गई तो पूरी की पूरी बेल्ट रुक जाएगी। दैट इज व्हाट इज एट रिस्क व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इतना बड़ा स्केल, कि जब हम बात करते हैं तो इतना सा छोटा सा फॉल्ट भी बहुत बहुत बड़ा लॉस कर सकता है। तो जो लोग हमारे वीडियोज देख के बोलते हैं ना, अरे क्या लाइट गई है, इतना क्या परेशान हो रहे हो, अरे क्या हो गया है, एक डेंट पुलर ही तो खराब हुआ है, समझने की बात ये होती है कि उस चीज पे जितनी डिपेंडेंट और चीजें और लोग होते हैं ना, वो सब रुक जाते हैं और आपका सारा काम स्टिल हो जाता है, एंड देन यू स्टार्ट बेरिंग लॉसेस। हमारा भी एक पहला एक्सपीरियंस है सर ऐसा मास प्रोडक्शन में, एक देखना कि कोई चीज कैसे बनती है। हमने अभी तक इससे पहले कोई असेंबली लाइंस बहुत देखी है बट गाड़ियों की नहीं देखी। तो मतलब हमारे लिए भी बहुत एस्टोनिशिंग है ये चीज, इतने स्केल पे देखना, हम बहुत छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं, इतने बड़े स्केल पे देखना।
आइए ना सर प्लीज, इट्स नॉट दैट फार, 40 मिनट्स है यहाँ से रास्ता, आप कभी भी आइए प्लीज। आप गूगल पे प्रोटोमोटिव डालो, आपको मिल जाएगा। कंपनी और मैनेजमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि हर डिफरेंट स्टेप पे चीजों का चेक किया जाए, ताकि कोई भी चीज अगर रह जाए तो अलार्म किया जाए लोगों को, और वो चीज परफेक्टली करी जाए। जैसे हम यहाँ पे टॉर्क का एग्जांपल ले रहे हैं, टॉर्क नहीं हुआ मतलब बोल्ट तुम्हारे ठीक से टाइट नहीं हुए, राइट? और जितनी मूव करेगी गाड़ी वो टाइम के साथ लूज हो जाएगा, करेगी वो टाइम के साथ लूज करते हैं। टॉर्क होना उसको बहुत जरूरी है। हम लोग भी जब गाड़ी के व्हील्स निकालते हैं तो वापस बिठाते हुए उसको बोल्ट को प्रॉपर टॉर्किंग करते हैं, और हर एक बोल्ट का एक प्रॉपर टॉर्क लेवल सेट होता है डिपेंडिंग ऑन साइज एंड वेट एंड डिफरेंट पैरामीटर्स। और आज भी इनकी इतनी बड़ी कंपनी और इतना बड़ा स्केल हो जाने के बाद भी कई ऐसी चीजें जो मैनुअली करी जाती है, कई ऐसी चीजें जो ऑटोमेशन में है कंप्यूटर के थ्रू करी जाती है, आज भी कंपनी ट्रांजिशन कर रही है, बेटर होने की कोशिश कर रही है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े स्केल पे ऑपरेट करना कोई मजाक वाली बात नहीं है। क्लच एंड पावर स्टेयरिंग का ऑयल है यहाँ पे, एक ही साथ दोनों फिल किए जाते हैं, और पीछे उनका सीएनजी डिस्पेंसर भी है, उनके पास डीजल पेट्रोल पंप भी है और सीएनजी भी है, जो भराना है भरा लो। सीएनजी उन गाड़ियों के लिए जिनमें सीएनजी अभी शुरू नहीं किया, यहाँ ट्रायल्स हो गए हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से पूरी की पूरी जो असेंबली लाइन है वो मैनुअल प्रोसेस और ऑटोमेटेड प्रोसेस के मिक्सचर से ही चल सकती है, क्योंकि जहाँ इंसान काम कर रहे हैं वहाँ पर कहीं 19-20 हो सकता है, तो ऑटोमेशन की जरूरत है उसको कंट्रोल करने के लिए, और जहाँ मशीन की लिमिटेशन है वहाँ पर इंसान है चेकिंग करने के लिए। तो फर्स्ट क्रैंकिंग में आपसे पूछ रहा था, यही करते हैं आप? पहला इंजन क्रैंकिंग हुआ है उसका, तो ये पूरी दो बेल्ट कंप्लीट हो जाने के बाद जहाँ पे सारे ब्रेक ऑयल, क्लच का ऑयल, इंजन फिटिंग हो गया, बॉडी फिटिंग हो गया, सब हो जाने के बाद यहाँ पे पहला क्रैंकिंग किया जाता है टेस्टिंग के लिए, जो उन्होंने एक हमें अभी टेस्ट करके दिखाया। तो अभी यहाँ से चला के बाहर, ये दो बेल्ट्स कंप्लीट हो जाने के बाद जो नीचे की कन्वेयर बेल्ट है जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा ट्रक बैठा है जो येलो कलर की दिख रही है, वो अंडरग्राउंड चली जाती है, वहां से गाड़ी व्हील्स पे आ जाती है, एंड देन वापस एक लाइन में लगती है, जहां से वापस घूमती है वो, और एक दूसरी लाइन में लगने के बाद वहां से फिर चालू होते हैं इसके टेस्टिंग्स एज पर डिफरेंट नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस, जो जो उसकी टेस्टिंग है सारे गियर्स की, इंजन की, परफॉर्मेंस की, ब्रेकिंग की, सारे टेस्ट फिर आगे किए जाते हैं। गाड़ी जब पूरी असेंबल हो जाती है उसके बाद फाइनल ब्रेकिंग टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे आती है। आगे वाला जो सेक्शन है वो फिक्स्ड है और पीछे वाला जो सेक्शन है वो मूवेबल है, क्योंकि हर गाड़ी का व्हील बेस अलग अलग होता है। तो मान लो 80 किलोमीटर से 0 आने में, या 80 से 40 आने में, या 40 से 20 आने में कितना टाइम लगता है, ब्रेक एफिशिएंटली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो ये मशीन्स जो हैं वो रीड करती हैं। तो यहीं पे अगर पता चल जाएगा, क्योंकि ब्रेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, गाड़ी चलना एक है और अगर रुकी नहीं तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, राइट? तो वो सही पैरामीटर्स में चेक होके उसके बाद गाड़ी रोल होती है, बाहर जाती है और बेची जाती है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दोनों ब्रेक्स एक लेवल पे काम करना चाहिए। अगर एक ब्रेक ज्यादा पकड़ा दूसरा कम पकड़ा तो गाड़ी एक तरफ को चली जाएगी या दूसरी तरफ को चली जाएगी। तो दोनों ब्रेक्स एफिशिएंटली साथ में काम करने चाहिए, वो बहुत जरूरी है, और उसी का चेकिंग जो है यहाँ पर किया जाता है। बात कुछ ऐसी है कि सिर्फ चीज बनाना ही नहीं है, उसको टेस्ट करने के लिए उससे डबल जगह जो है वो इन्वेस्ट करी गई है। दो लाइन में अगर एक प्रोडक्शन हो रही है तो 3-4 लाइन में उसकी टेस्टिंग हो रही है, उतनी ही लेबर यहाँ पे भी इन्वेस्टेड है जो उसको टेस्टिंग करना उनका काम है। हमारा एक सपना था, कभी हो सका इस जिंदगी में तो हम भी अपनी कभी गाड़ी बनाएंगे। अब ये सब देख के अभी लगता तो नहीं है वो कभी हो पाएगा, पर अगर कभी हुआ तो एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है। ये अपना प्लानिंग का ऑफिस है, जो भी एग्रीगेट अभी यहाँ आई है, फ्रेम है, इंजन, एक्सल, फ्रंट एक्सल, रियर एक्सल, कैब और टोर का जो भी मटेरियल रहता है, इसका भी अपना अपना मटेरियल अवेलेबल रहता है जी। जिसका एग्रीगेट रेडी हो गया वो वहाँ पे बैठ के वहाँ पे ग्रीन पंच इन करेगा। हाँ। जैसे उसने पंच किया तो यहाँ पे वो ग्रीन हो जाता है। यहाँ का जो प्लानर है उसको पता चलता है यदि वो सब मटेरियल ग्रीन रहता है जी, तो वो प्लानिंग में लगा देता है, तो प्लानिंग उसको यहाँ पे सिक्वेंस में लगा देता है। जहाँ पे भी 5-6 सब स्टेशन है जहाँ पे सब असेंबली चलता है, एग्रीगेट लाइन पे भी उनको ये सीक्वेंस दिखाई देता है, क्योंकि वो गाड़ी जिसके पार्ट्स अगर रेडी नहीं, अगर असेंबली लाइन पे मतलब तो लाइन रुक जाएगी, वो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। किसी भी चीज के पीछे प्लानिंग बहुत जरूरी है। हम लोग हमारे काम में भी जो है ना, ऑब्वियसली इस लेवल पे प्लानिंग नहीं करते हैं, बट हम अपने तरीके से देखते हैं, रोज के रोज शेड्यूलिंग करते हैं, क्योंकि हमारे लिए अगर हमारा काम रुक गया तो हमारा में भी 10-15-20 हज़ार का नुकसान हो जाए, पर यहाँ पर वही चीजें लाखों और करोड़ों रुपए में चली जाती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप एवरीथिंग प्लान्ड एंड एग्जीक्यूट एवरीथिंग परफेक्टली।
असेंबली लाइन पूरी देखने के बाद हम लोग पहुंचे पैनल बनाने वाली हाइड्रोलिक प्रेस लाइन पर। यहाँ पर बॉडी के सारे पैनल्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं फ्रॉम कमर्शियल व्हीकल्स टू पैसेंजर व्हीकल्स। तो एक शीट डाली, उसमें प्रेस करेगा, उसको वो शेप आ जाएगा, आगे मूव हो जाएगा, हो जाएगा साइड वाला कटिंग जो है नीचे गिर जाएगा। एक एक पैनल को शेप दे रहे हैं दो दो तीन तीन सेकंड में। अभी देखियो शीट मेटल आएगी, वो देख शीट पतली सी शीट है, प्रेस किया शेप हो गया, आगे चला गया। वहाँ पीछे से लेके यहाँ आगे तक जो लाइन चल रही है, सबसे पहले हमने देखा मेटल शीट को जो है वो शेप दिया। अब वो शेप जो रहता है वो रफ शेप दिया जाता है, अगर उसको प्रॉपर शेप दे देंगे पहले टाइम में तो मेटल फटने का चांस है, कि बहुत बार शार्प एजेस भी रहते हैं। ये जो सेकंड है यहाँ पर एक्सेस साइड का पैनल का ट्रिम कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पर आके फाइनल शेप होता है एंड ऐसे आगे सो ऑन एंड सो ऑन, उस हिसाब से एक एक पैनल रेडी होता है। मेटल शीट को पहले तो ऊपर का और नीचे का पैनल जो जो है वो अलग अलग है, मेटल शीट को शेप देने के लिए ये पूरी मशीनरी जो है वो यूज होती है। अभी ये जो पर्टिकुलर पैनल है सारे पंच के हैं, रेयर RH पंच, डोर आउटर रेयर, LH पंच। तो इसमें अंदर का पीस जो रहता है, जो सेपरेट पीस जो साथ में मुड़ के वेल्ड होते हैं, वो अभी तक हुआ नहीं है। अभी ये जैसे ये पैनल है, कई लोगों को समझने में दिक्कत होगी, बोनट जब हम गाड़ी का देखते हैं तो अंदर की तरफ कटआउट्स रहते हैं, हॉलो रहता है, नीचे एक मेटल शीट रहती है, ऊपर एक मेटल शीट रहती है, तो ये बाहर की साइड की मेटल शीट है, अंदर से देखो एकदम प्लेन है। अगर ये गाड़ी पे जाना रहता तो यहाँ पर एक और मेटल का पीस आता और ये दोनों साथ में जो है वो वेल्ड हो जाता, ऐसे जो है पैनल बनता है। ये बोनट का टॉप शीट है, इसका बॉटम शीट अभी बनेगा। तो अभी हम लोग यूजुअली गाड़ियों में साउंड डैम्पिंग करते हैं, तो ये इसी पैनल के अंदर साउंड डैम्पिंग की जाती है। इसमें दरवाजे का एक और आ जाता है पीस पीछे का, जिसमें स्पीकर वगैरह बैठता है। तो हमेशा दो पीस मेटल को जोड़ के एक पैनल बनाया जाता है। वो जो डाई है, डाई पे लिखा हुआ है फेंडर राइट हैंड, हमने उधर हैरियर के पैनल देखे थे तो उसपे फेंडर राइट हैंड साइड का लिखा हुआ है, तो वो हैरियर का पर्टिकुलर फेंडर जो है वो पूरी लाइन में वही बन के वहाँ पर निकल, तो वहाँ पे तुम जितने भी डाई देख रहे हो वो सब उसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो मॉडल का जो भी चाहिए होता है पैनल उसका अलग अलग डाई रखा हुआ है। जब उसको प्रोडक्शन में लेना होता है वो डाई चेंज करी जाती है, मेटल शीट डालते हैं और वो उसको शेप दे देता है। जितनी टाटा की गाड़ियां होंगी, जितने उनके अलग अलग पैनल होंगे, सबका यहाँ पर डाई अलग अलग तैयार होगा ऑलरेडी। रोबोट्स के एंड में जो सक्शन कप्स लगते हैं ना, जिनसे वो पैनल उठा के अगले सेक्शन में रखता है, तो हर पैनल के हिसाब से सक्शन कप्स अलग अलग बनते हैं, डिपेंडिंग ऑन उनका कैसा वजन और वेट स्प्रेड है ऑल ओवर द पैनल। तो सब अलग अलग पैनल्स का अलग अलग माउंट रहते हैं और ये रोबोट में अटैच होके पैनल को उठा के रखते हैं फिर दूसरी जगह पे। ये देख रोबोट के सामने लगा हुआ है ना, वो मैकेनिज्म है वो, और ये है वो मेटल शीट जो शेप होके फेंडर बन रही है अभी। तूने एक चीज नोट करी, ये जो फेंडर हमने अभी बनते हुए देखे हैं, हो सकता है 8-10 महीने बाद या साल भर बाद वही कोई एक फेंडर होगा जो हम पेंट कर रहे होंगे। हम लोग अभी हैं इंजन असेंबली एरिया में, तो यहाँ पर आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह इंजन ही इंजन पड़े हैं और पार्ट्स असेंबल हो रहे हैं। ये इंजन यहीं से पूरा कंप्लीट होके वहाँ जा रहा है फिर? हाँ। अच्छा, बीच रास्ते में जो हमें वो ट्रैक्टर में लेता हुआ घूमता हुआ दिखा था इंजन, यहाँ से फिट होके 6-6 इंजन बिठा के लेके जाते हैं। रिलीफ। ये रूम थोड़ा ठंडा है, ये पहला रूम है जो आज हमें ठंडा मिला है। पूरा दिन घूमकर हम काफी ज्यादा थक गए थे, बट वी वर स्टिल एक्साइटेड टू सी मोर थिंग्स। प्लांट का ये सेक्शन पूरा एयर कंडीशन था और उसके पीछे का रीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली में इंजन पार्ट्स बहुत ही ज्यादा टाइटली फिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पिस्टन जब एक सिलेंडर हेड के अंदर जाता है तो दोनों के बीच में बहुत ही लाइट माइक्रोन्स का ही गैप होता है। अब क्योंकि दिन भर में टेम्परेचर चेंज होता रहता है तो ये मेटल पार्ट्स कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करते रहते हैं और इसी कारण से इसमें फिटिंग इश्यूज आ सकते हैं। इसलिए इस रूम का पूरा टेम्परेचर रेगुलेट किया जाता है ताकि ऐसे प्रॉब्लम्स इंजन फिटिंग के टाइम पे ना आए। मैं बहुत देर से घूम रहा हूँ, 2-3 जगह पे मैंने नोटिस किया है पोका योके लिखा हुआ है, तो मैंने सर से जाके पूछा, मैं बोला सर ये पोका योके होता क्या है? तो बोले वो एक टर्म है जो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं और स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। उसका मतलब ये है कि जब तक वो चीज परफेक्ट नहीं होगी, कंप्यूटर उसको रीड करके ओके नहीं करेगा, तब तक वो बेल्ट मूव नहीं करेगी और वो नेक्स्ट सब्जेक्ट तक नहीं जाएगी, तो उसको बोलते हैं पोका योके। इट्स अ जापानीज टर्म और यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, चीज परफेक्ट होनी चाहिए तभी आगे बढ़ेगी वरना नहीं बढ़ेगी।
जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हैं ना या जिन्होंने उसमें वैसा इनपुट डाला उनको रियलाइज होगा ये सब चीजें कितनी मैटर करती है। एम्प्लॉय कम्युनिकेशन, अपस्किलिंग, वुमेन्स डे सेलिब्रेशन, अब कॉर्पोरेट ऑफिसेज वगैरह में कितना होता है मुझे नहीं मालूम, बट जहाँ पे ब्लू कॉलर जॉब्स आते हैं और स्पेशली ऐसी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज की बात करोगे तो वहाँ पे लेबर्स को जोड़ के रखना और उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट्स लाना कंपनी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो हम एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे हम भी कोशिश करते हैं करने का। यहाँ पे होता है ना ये सब होता है, स्टाफ भी बोल रहा है। चलो वेरी नाइस मीटिंग यू, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मिलके। हमारा आज का दिन खत्म हो चुका है, बहुत ज्यादा थक चुके हैं हम सुबह से घूम घूम के। सुबह से बेटर है एक्चुअली, सुबह ज्यादा थके हुए थे कल की वजह से, अब थोड़ी एनर्जी ज्यादा है। अभी टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया है, अभी बस हम जा रहे हैं ऑफिस क्योंकि वहाँ भी और चार मीटिंग अभी बाकी हैं, वो खत्म करनी है, काम खत्म करना है और आज फिर करेंगे आराम, है ना, और फिर वापस से कल से भागा दौड़, फिर वापस कल से काम। पर मैं उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना आपको कैसा लगा ये टूर। आपको मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वॉचिंग ब्रोटोमोटिव एंड ब्रोटोमोटिव ब्लॉग्स एंड ब्रोटोमोटिव शॉर्ट्स एंड ब्रोटोमोटिव क्लिप्स और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना अगर किसी ने नहीं किया है तो, एंड ट्विटर पे भी, स्नैपचैट, फेसबुक फेसबुक।